चलिए इसको मिटा देते हैं। और मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या बेटा, दीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या लिख देते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नया हेडिंग डालेंगे आप यहाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें दो लॉ की बात करते हैं अपन लोग, जिसके मैं एक मैंने बताया था कि आई इज इक्वल टू आर, और दूसरा लॉ मैंने जिक्र किया था थोड़ा सा अधिक ही, इंसिडेंट रा, नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्शन रा, कि जो तीनों हिटेड करने वाले जो पॉइंट है वह सेम है ओ पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसमें आप फर्स्ट लिखेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द यहाँ लिखेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका फर्स्ट लॉ होता है। दूसरा लिखेंगे द इनिशियल रे नॉर्मल एंड द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्शन रा ऑल इज इन द सेम प्लेन। क्या लिखेंगे, द इंसिडेंट रा आर एंड नॉर्मल लाइन टू द मिरर एट द पॉइंट, क्या लिखेंगे, दूसरा लिख दीजिए आप यहाँ दे समझना चाहते हैं तो दूसरा यहाँ दे लिखेंगे कि जो नॉर्मल लाइन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्शन रेज all of these all of these hit same point, all are यहाँ लिखेंगे all are mix in same point okay, so this is the second law। अब थोड़ा सा डिफ्यूजन को और समझ लेते हैं, यहाँ तक यदि आपने लिख लिया हो तो डिफ्यूजन को और समझ लेते हैं अपन लोग, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो इसमें अपन लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं रेगुलर एंड डिफ्यूजन, प्लेन सरफेस और एनी सरफेस। ओके चलिए, इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को मैं यदि समझने की कोशिश करूँ तो मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर दूँगा, वो होगा रेगुलर और दूसरा होगा डिफ्यूजन। ओके, रेगुलर का मतलब होगा इसमें प्लेन मिरर पर होने वाला इवेंट, सच एस ये वाला इवेंट जो हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था, और दूसरा है डिफ्यूज़न। सो डिफ्यूज़न में ये क्या होता है बेटा, डिफ्यूज़न पे एनी सरफेस वी कैन सी बट डज नॉट रिफ्लेक्ट इमेज, क्या बोल रहे हैं, एनी सरफेस वी कैन सी बट इट नॉट फॉर्म एनी इमेज, but does not reflect image। ओके, ये इसके दो पॉइंट थे। चलिए इसी को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करने वाले हैं किसकी बेटा, स्फेरिकल मिरर की। चलिए देखते हैं स्फेरिकल मिरर को कैसा बनता है। स्फेरिकल मिरर को देखने वाले हैं,
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.